अयोध्या नगर में एक निजी गेस्ट हाउस श्रृंगार घाट में नागेश्वर उर्फ सोनू राजमिस्त्री ने अपने सहयोगी के साथ काम किया। पूरे काम की मजदूरी ₹1,70,000 तय हुआ था। काम समाप्ति तक गेस्ट हाउस के मालिक ने ₹1,08,800 का भुगतान कर दिया, किंतु शेष मजदूरी बार बार मांगने के बावजूद नहीं दी गई। इसकी शिकायत नागेश्वर उर्फ सोनू द्वारा उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी से लिखित रूप में 25 अक्टूबर को की गई। यूनियन के जिला अध्यक्ष द्वारा इसी क्रम एक शिकायती पत्र उपश्रमामुक्त अयोध्या मंडल को 28 अक्टूबर को दिया गया, जिसमें विपक्षी को नोटिस जारी हुए। नोटिस का समन्वयक जवाब न देकर पंकज गुप्ता ने अखिलेश चतुर्वेदी के विरुद्ध ही झूठी प्राथमिकी अयोध्या कोतवाली में 17 दिसंबर को दर्ज करी। सोनू जो चंद्रा गेस्ट हाउस के मालिक पंकज गुप्ता के यहाँ काम करता था और उन्होंने बकायदा लिखा पढ़ी में 1,70,000 रुपये में उससे काम का लिखा पढ़ी किए हुए हैं, परंतु उसको 1,00,000 जब पूरा काम समाप्त हो गया तो उसको 1,08,800 रुपया उन्होंने दे के उसकी मजदूरी बकाया कर दिया। ये प्रकरण अक्टूबर का है। श्रमिक हमको 25 अक्टूबर को पत्र देता है मजदूर यूनियन को, क्योंकि मैं मजदूर हूँ और रजिस्टर्ड मजदूर हूँ और खला लोग जो पंकज गुप्ता है हमारी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उप श्रमायुक्त को शिकायत किया 25 फरवरी को, उसने पत्र दिया, 28 को मैंने लिखा पढ़ी किया। उसके बाद उसमें कई तारीखें लगी, पंकज गुप्ता मौके पर फरार थे, वो जवाब नहीं दिए। जब 18 तारीख लगी तो इन्होंने अपने धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हुए मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी, जो मैं स्वयं हूँ, इन्होंने मेरे ही खिलाफ कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज करा करके 18 तारीख को ये जवाब देते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके तमाम जन संगठन आक्रोशित हैं कि वो मजदूर है, उसको बकाया मजदूरी मिलना चाहिए। इसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता हुई कि हम 26 तारीख को श्रम कार्यालय पर धरना देंगे और 26 को हम घोषणा करेंगे कि किस तारीख को अयोध्या कोतवाल के खिलाफ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अयोध्या कोतवाली का घेराव करेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि जो फर्जी FIR दर्ज कराई गई है उसको वापस लिया जाए और मजदूर सोनू का जो बकाया पैसा है उसको दिलाया जाए। खास बात तो ये है कि आम जनता और गरीब मजदूर अपनी किसी समस्या को लेकर के पुलिस विभाग में जाते हैं तो 100 नंबर आती है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, बात की जाती है, तब होता है। लेकिन कारण क्या था कि जब 18 तारीख लगी हुई है और 17 तारीख को पुलिस बिना विवेचना किए हुए, बिना पूछताछ किए हुए एक तरफा मुकदमा दर्ज करती है, यह कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। और इस बात का भी शंका है कि पुलिस भी पंकज गुप्ता, जो कि पूंजीपति आदमी है, बड़ा आदमी है, उससे मिली हुई है, इस कारण वो गरीबों के साथ कुठाराघात करना चाहती है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन